What should be my Facebook budget in order to run the Facebook ad? There are lots of business owners have the same question. काफी ज़्यादा equation है कि सारा starting budget की होना चाहिए in order to run the Facebook ad. In this video, I would love to be share with you how you can calculate what could be your budget and how many leads you needed based on your customer value. I hope that will be helpful. In the end of the video, I will be share with you the link that you can calculate by yourself based on your values of the business or customer value. I hope that will be really helpful for you. Let's get started. Hi everyone, this is Pulvinder. I'm a digital marketer, mentor and entrepreneur. In this video, we'll love to be show you that what should be your starting budget to run on a Facebook ad. So the starting budget ki hona chahiye. The kafi business owners se question hota hai jab wo Facebook ad run karte. So I will be show you how you can calculate it by yourself as well. Then main thonu sheet te share karke dikhawanga bhi, calculate karke dikhawanga bhi ki how I calculate for my client. So it's an a roughly budget sada ki hona chahiye the based on the experience or based on the value of the customer. So well, isto pehle main thonu ek cheez dassna chahna, it's well depends on the all business to business ki thode business di ki value, thode customer di ki value hai. But most of the time ऐसे कॉमन फॉर्मूला यूज करते हैं जो एवरी बिजनेस दे सो फार साडे लिए काफ़ी वधिया काम किया जिस फॉर्मूले ने. सो आई शो यू इन द स्क्रीन इफ यू आर ऑन द स्क्रीन. सो अगर तुम सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, तुम कुछ भी प्रोडक्ट सैल कर रहे हो या कुछ भी सैल कर रहे हो, अपनी सर्विस सैल कर रहे हो, तो थानू दो चीज़ों का पता होना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस के विच टू गैट एग्जैक्ट अमाउंट या रफली अमाउंट की थोड़ी की होनी चाहिए बजट लिए. सो पहला तो एवरेज कस्टमर वैल्यू. एवरेज कस्टमर वैल्यू की होंगी है बेसिकली इट्स प्रोडक्ट वैल्यू कि अगर थोड़ा कोई भी क्लाइंट प्रोडक्ट बाय करता तो थोड़ा कितना पैसा देके जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ उत्ते मैं लगाना कि अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट है जो मैं प्रोडक्ट सैल करने की कोशिश कर रहे हैं क्लाइंट $2,000 का, मैं इस जस्ट एन एग्जाम्पल लेता. दैन आफ्टर दैट एक्सैप्टेबल कस्टमर एक्विजिशन कोस्ट किन्ना. तुसी एक कस्टमर जिन्हें थोड़ा प्रोडक्ट बाय करना उस कस्टमर एक्वायर करने कितना पैसा पे करने रेडी हो. दिस इज़ द मेन थिंग दैट कस्टमर एक्विजिशन कोस्ट किन्ना होना चाहिए, चाहे वह मार्केटिंग के थ्रू हो, चाहे एफिलिएट किसी एफिलिएट पैसा दे रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग करा रहे हो. हाउ मच यू एक्चुअली स्पेंड टू एक्वायर दैट क्लाइंट. सो अगर मेरा 2000 का प्रोडक्ट है तो मैं रफली 400 तो 500 लगा के चलदा कि मैं इन्ना पैसा रेट दूंगा तो मैंने $2,000 वो कस्टमर देके जाएगा. सो मैं $400 लगाना कि मैं $400 पे किया टू एक्वायर अ $2,000 बिजनेस. तो मेरी टोटल रेवेन्यू कितना हो गया $2,000 का मेरा रेवेन्यू हो गया. और मैं तुम्हें दस देना नीचे साड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी. बट हीयर मैं तुम्हें जस्ट बेसिक दसिया कि तुम अपने बिजनेस या प्रोडक्ट के बेस उत्ते लगा सकते हो. ना तीजी चीज़ जो तुम्हें सारी वैल्यू देगी कि तुसी किन्ना क्लाइंट लेना चाहते हो पर मंथ. एक मंथ के विच किन्ने कस्टमर बनाना चाहते हो, एक दो तीन चार पाँच सात दस किन्ने क्लाइंट्स बनाना चाहते हो, इट्स डिपेंड्स. सो अगर तुसी इतने देखोगे मिनिमम टारगेट कस्टमर पर मंथ, अगर मैं कस्टमर पाऊंगा फॉर एग्जाम्पल मैं एक पाना कि मैं एक क्लाइंट लेना, तो मेरा जब एक क्लाइंट लेना था मेरा मंथली बजट 400 होना चाहिए फेसबुक एड्स का. जो मेरा स्टार्टिंग बजट है तो मैं $400 मंथ का खर्च करूँगा जो मैं एक क्लाइंट लिया के देगा जिहड़ा रेवेन्यू मेरा $2,000 का होएगा. राइट हो गया ना. तो उस दे विच तुसी ये चेक कर रहे होंगे कि लीड्स हैगी साढ़े को, पर लीड मेरे को $80 की एक लीड है. हुण मैं तुहानू लीड का भी एक एग्जाम्पल देना कि वट इज़ दैट फॉर. तो इस चीज़ का सारे नूं पता है कि जो भी असी ड्राइव कराने ट्रैफिक अपनी वैबसाइट के उत्ते, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपेन रन किया जो मेरी ड्राइव करा रहा है ट्रैफिक मेरी लैंडिंग पेज के उत्ते. जरूरी नहीं कि जेड़े भी परसन विजिटर्स होंगे दे विल बी बाय योर प्रोडक्ट, इट्स नॉट एन कंपलसरी. तो यही होंदा भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर 100 बंदे तुहाडी वैबसाइट के उत्ते आए तो मैक्सीमम 100 बंदियां चों एक परसन तुहाडा प्रोडक्ट बाय करेगा, इज दैट करैक्ट, या 2% बाय करेंगे या 3 करेंगे. बट असी इस नू सेल फनल दे तौर पे देखते हैं कि हाउ सेल फनल इज वर्क. इफ यू ड्राइव 100 पीपल ऑन टू योर लैंडिंग पेज, अगर तुहाडी लैंडिंग पेज ते 100% ड्राइव किए ने विजिटर्स आए ने, उस चो 5 बंदियां ने तुहानू इंटरस्ट शो किया. द इंटरस्ट शो मतलब दे गिव यू एक्चुअल देयर इंफॉर्मेशन, नेम, ईमेल, फोन नंबर.
from the 100, the five people give you exact, they are interested, they give you their information. Una panch bande ha jo ik bande ne toda product buy kita. That's how we called as a conversion. That's the actual conversion. Main $400 kharch kita, jis cho panch leads mainu aayan. Five leads aayan. Asi usually 20% lead to the customer conversion rate leke chalde hain. It's a very realistic percentage. Asi five leads likhe hain, usda 20% ek hoya te ek sada conversion rate ban gaya. Te $80 asi ek lead de pay kite, jis agar tusi 8 to 5 naal multiply karoge, it will become the $400. Te jinna tuhanu $2,000 da revenue generate karke ditta. Now agar main chahna ki main month te do client chahna, do customer chahna. ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ two ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈ ਬਜਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ $800, ਤਾਂ ਮੰਥਲੀ ਮੈਂ $800 ਖਰਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੈਵਨਿਊ 400 ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 10 ਲੀਡਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ 20% ਦੋ ਆ ਗਿਆ, 10 ਲੀਡਸ ਦਾ 20% ਟੂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ $80 ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਵਰਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਫੋਰਮੂਲਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਲਿੱਕ ਦ ਬਟਨ ਬਿਲੋ ਇਨ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਐਂਡ ਓਪਨ ਦਿਸ sheet. Once you open it, you can put the value based on your business and you can calculate it ki sanu kinna chahida. So agar main ite example vi dena, tuhanu mainu 5 client chahide na, for example, ta mera $2,000 da month da budget hona chahida initial stage de utte, jehda mainu $10,000 bana ke dega. Means $10,000 would be my business revenue, jis cho 25 leads cho mainu 5 client mere convert hoye, 25 tab 20% kinna hoya 5, so it will be my client. So that's how we work for the clients. I hope that will be help you out. Te agar tusi e-commerce business cho, ta do not accept the leads. Matlab tusi expect nahi kar sakde leads, because if it depends on the product to product. Agar tuhanu low ticket product, means $40 a product hai, jis cho main ek client nu acquire karan de $10 de reha. Matlab agar $40 da product, of course 50% will be your cost price of the product, piche 50% rahega, means $20 rahega, jis to $10 da profit, $10 tusi marketing te kharch kita to acquire a one customer. Marketing means acquire a one customer. So tuhanu budget kinna hona chahida business is utte. Agar tusi client chahne ho, for example, what are you looking for? You want some clients, right? You want 10 clients for it. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਲਾਇੰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ $100 ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ $400 ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ $10 ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਕਸਟਮਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਸਟਮਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ $100 ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵ ਯੂ $400. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਯੂਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਟਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਟ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ. 400 'ਚੋਂ 50% ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ $200 ਚਲਾ ਗਿਆ ਟੂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤਾਂ $100 ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਅਤੇ $100 ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ. ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਟ. ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਵ ਇਟ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ. ਅਤੇ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ. ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫੋਰ ਮੀ ਐਸ ਵੈਲ. ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ. ਆਈ ਹੈਵ ਨਾ ਵਨ ਗਰੁੱਪ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਰੀਅਰ ਗਰੁੱਪ. I'll give you a link below in the description. Join that link. You will be get a lots of masterminds in that group. Agar thode kol koi bhi tarah da question you can ask in that group. We'll love to be help you out. I hope the video really helpful for you. Just please like, share, comment zarur karke dassiyo ki kis tarah tuhanu lagi. I hope that you will love it and it will be valuable for you. Thank you so much.